स्वप्निल सिंह जब से आरसीबी की टीम से जुड़े हैं तब से गुडलक चार्म जारी है और इनकी टीम ना एलिमिनेटर तक पहुंच चुकी है। लेकिन इसके अलावा भी एक खुशी भरी दुनिया से एक दुख भरी दास्तान है स्वप्निल सिंह की, जो उन्होंने खुद सुनाई है। और एक वो दौर था जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था, साथ ही साथ कैसे कृणाल पांड्या ने उनको बड़ौदा की टीम से उम्र का हवाला देते हुए बाहर कर दिया था। तमाम चीजें बताई थी स्वप्निल सिंह ने, वो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। देखिए, स्वप्निल सिंह की उम्र जो है वो 33 साल के करीब हो चुकी है और वो बड़ौदा के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते थे। जब उनको पहले ऑक्शन में पिक नहीं किया गया तो वो बहुत उदास हो गए थे और उसके बाद वो निराश होकर ये विचार करने लगे थे कि एक साल और मैं डोमेस्टिक खेलूंगा और उसके बाद क्रिकेट छोड़कर कुछ और शुरू करूंगा। लेकिन इस बार जब उन्हें ऑक्शन में 20 लाख में आरसीबी ने अपनी टीम के साथ शामिल किया तो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाए, रोने लगे और उनकी आंखों में आंसू आना जायज था। इंटरव्यू देते हुए भी स्वप्निल सिंह की आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने उस दौर को याद किया जब उनको क्रिकेट से बाहर कर दिया गया था। उनको बहुत भरोसा था कि डोमेस्टिक से उन्हें कोई बाहर नहीं करेगा क्योंकि बहुत बेहतरीन ऑलराउंडर थे, अच्छी बल्लेबाजी करके देते थे, अच्छी गेंदबाजी करते थे। लेकिन एक दिन जब उन्हें कृणाल पांड्या से पता चला कि भाई अब वो इस टीम के हिस्सा नहीं है, क्योंकि बड़ौदा टीम के कप्तान थे हार्दिक पांड्या के बड़े भाई कृणाल पांड्या, और उन्होंने कहा कि हम आपकी जगह पर एक युवा खिलाड़ी खोज रहे हैं, और इसके चलते स्वप्निल सिंह को टीम से बाहर कर दिया गया। इसके बाद स्वप्निल बहुत परेशान रहने लगे। फिर इरफान पठान उनसे मिले, इरफान पठान ने उन्हें सजेस्ट किया और उत्तराखंड टीम ज्वाइन करने की बात कही। इसके बाद स्वप्निल सिंह ने उत्तराखंड टीम ज्वाइन किया। इसके साथ साथ इरफान पठान ने स्वप्निल सिंह को लखनऊ सुपर जायंट्स में एज अ नेट बॉलर भी ज्वाइन कराया और कहा कि आप यहां पर गेंदबाजी करते रहिए, आपको फल जरूर मिलेगा। वहां पर उनकी बल्लेबाजी भी इंप्रूव हुई और उसके बाद आरसीबी में इन्हें इस साल खरीद लिया गया। और यहां पर आते हुए वो अहम मौकों पर ओवर डालते हैं, विकेट्स निकाल कर देते हैं और इस साल कप नमदे का जो थीम है उसको पूरा करने में लगे हुए हैं। लेकिन कृणाल पांड्या ने जो उनके साथ किया था वो आज तक ये चीज नहीं भूल पाया, साथ ही साथ इरफान पठान ने जो अच्छा व्यवहार उनके साथ किया है उस चीज को भी नहीं भुला पाए हैं। हालांकि कृणाल पांड्या पहली बार नहीं है जो किसी खिलाड़ी के साथ उनकी रिफ्ट हुई है, इससे पहले दीपक हुडा के साथ उनकी रिफ्ट हो चुकी है जब दीपक हुडा ने भी ये टीम छोड़ दी थी। बड़ौदा के लिए खेलते थे पर उन्होंने वो टीम छोड़कर दूसरी टीम ज्वाइन कर ली थी, तब इरफान पठान ने दीपक हुडा का भी साथ दिया था। इसके बाद इरफान पठान ने स्वप्निल सिंह को भी सहारा दिया है। और हालांकि इरफान पठान ने कभी इस चीज का मेंशन नहीं किया कि मैंने किस किस को मौका दिया है, किस किस का करियर बनाया, पर स्वप्निल सिंह ने खुद बताया कि इरफान पठान की बदौलत जो है वो आज है। अब आपको कैसी लगी स्वप्निल सिंह की स्टोरी हमें कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।